ए खाली जी किसको ये आप हम लोग बोलिए सर। हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें आज आलमगंज का क्षेत्र था हमारा, इसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन करना था, तो आज यहाँ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली भाई लोग के माध्यम से कि यहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ जरूरत है, और रमजान का महीना चल रहा है इसमें तो और भी जरूरत है, क्योंकि डिलीवरी की चीजें अभी तक खुल नहीं पाई है। आज तो मैंने एक चीज देखा है, पटना के अंदर बहुत सारी चीजें खुली है लेकिन अभी भी ऐसी चीजें नहीं खुली है जिन्हें जरूरत है, तो अभी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इस चीज को आगे बढ़ते रहना है, इस काम को करते रहना है, और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचकर इस काम को करने से पुण्य का काम है और इसे हमें बढ़ावा देना है और भी लोगों को। और कहाँ का आपकी टीम काम कर रही है? अलग अलग क्षेत्रों में काम करी, जैसे जहानाबाद काम करी, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा के अंदर में, वैशाली में, पटना के अंदर जो हम खुद कर रहे हैं और भी हमारे लोग हैं जो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ वहाँ कोशिश कर रहे हैं इसमें आप लोग के माध्यम से और लोगों से जहाँ से भी हो रहा है कि हमारी टीम भी और हम भी लगकर ही काम कर रहे हैं ताकि राशन का वितरण कंटिन्यूस में बना रहे। पटना के कितने क्षेत्रों में अभी तक आप बांट चुके हैं? क्षेत्र तो मैं नहीं कह सकता हूँ मेरे भाई, जहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है थाना वाइज हम जाते हैं, थाना से जो हमारी इंक्वायरी आती है थाना प्रभारी जो होते हैं वो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम चलते हैं। जैसे आज हमारे भाई लोग हैं, कोई हमारे जानने वाले रिलेटिव्स भाई से जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में आलमगंज के अंदर में रिक्वायरमेंट है, इतनी बड़ी आबादी में एक अकेले हम नहीं कर सकते, तो कुछ हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग भी यहाँ भी लोकल में भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अपना परिचय बताओ। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम खालिद हुआ, मैं पटना का रहने वाला हुआ, बस समाज सेवा करने के लिए भावना है हमारे अंदर और इस काम को करने में बहुत खुशी मिलती है।